बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऑप्टिमम थेरेपी में खुश आमदेद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो बहुत कॉमन इंजरी है और मोस्टली क्रिकेट और फुटबॉल के प्लेयर्स को ये इंजरी बहुत कॉमनली फेस करनी पड़ती है, वो है हैमस्ट्रिंग इंजरी। बॉडी में हमारे बड़े मसल्स में से दो मसल्स बहुत बड़े हैं, जिसमें एक हैमस्ट्रिंग और एक क्वाड्रिसेप्स। ये दोनों मसल एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। हैमस्ट्रिंग में अगर आप भाग रहे हैं, रन्स ले रहे हैं, कोई ड्रिल कर रहे हैं या फुटबॉल में आप स्प्रिंट मार रहे हैं, तो सडनली आपको एक पिंचिंग पेन यहाँ इस एरिया में फील हो, आपसे भागा ना जाए और ऐसा लगे जैसे कोई सुई चुभ गई है या कोई गोली लग गई है, तो आप समझ जाएं कि ये हैमस्ट्रिंग टियर हो गया है। अक्सर इसमें एक साउंड भी आती है क्रच की, तो आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना फील करते हैं, तो वो हैमस्ट्रिंग एरिया की का टियर है। बेसिकली हैमस्ट्रिंग एक इस टेंडन पे मुनसर है, तो यहाँ से हिप जॉइंट के नीचे से शुरू होके यहाँ तक जाती है। इसी एरिया में हमें ढूंढना होता है कि इसका ट्रिगर पॉइंट कौन सा है, कौन सी जगह पे हम इसको ज़्यादा पंचिंग फील हो रहा है, तो उस पेशेंट के पंचिंग के हिसाब से हम उस एरिया को कवर करते हैं और उस एरिया को टारगेट करके मुख्तलिफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें टाइन्स का यूज़ बहुत कॉमन है, जो कि मसल को सॉफ्टन करती है, मैनिपुलेशन करते हैं, मसाज थेरापी करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों की जो इसमें मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं वो की जाती हैं। इसमें PRP भी की जाती है, इसमें स्टेम सेल थेरापी भी की जाती है और इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम नॉर्मलाइज करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज की स्टेज शुरू होती है और इसको हम एक्सरसाइज करवा के स्ट्रॉन्ग करते हैं और बैक टू गेम इन 1 वीक। थैंक यू।